हम ये जीवन गफलत की तरह जी रहे हैं, गफलत में, अपने कर्तव्यों का बोध नहीं, अपने लक्ष्य का पता नहीं, अपने यात्रा का पता नहीं। साहब कहते हैं ये गफलत ही तो है। और जब इस गफलत में जीवन को हम जिए चले जा रहे हैं तो साहब कहते हैं कि पता भी है, एक दिन जमराज को भी तो आना है, एक दिन यम को भी तो यहां आना है, सदा रहने कौन आया है। पूछा था यक्ष ने युधिष्ठिर से, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने इतना ही कहा कि प्रतिदिन व्यक्ति यहां से मर के यमलोक को जा रहा है और हम देखते हैं कि जा रहा है, और हमें ये लगता है कि हमें यही रहना है, यही इस धरती का सबसे बड़ा आश्चर्य है। साहब कहते हैं सौदा करने को आए थे। अब यहां यह समझना है कि मनुष्य शरीर हमें मिला क्यों है, इस संसार में मानव शरीर लेकर हम क्यों आए हैं। कहा भी गया है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार तक हमें ले जाता है। और अगर सच्चे अर्थ में हम कहें तो मोक्ष तक जाना हो तो बिना शरीर के हम नहीं जा सकते। शरीर तो माध्यम है, इस शरीर से हम चाहे तो भोग करके नरक में जा सकते हैं, इसी शरीर से चाहे तो योग करके परमानंद में मोक्ष में जा सकते हैं। जैसे घर में लोग सीढ़ी बनाते हैं तो एक ही सीढ़ी से आप छत पर चले जाते हैं और उसी सीढ़ी से आप नीचे चले आते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस सीढ़ी से आप गए तो उससे नीचे आना मुश्किल होगा, या लोग ऐसा नहीं करते कि एक सीढ़ी जाने के लिए और दूसरा आने के लिए बनाए, बड़ा घर है तो लोग बनाते हैं, लेकिन उसी सीढ़ी से नीचे आया भी जा सकता है। साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन उसी सीढ़ी की भांति है। अगर जीवन में तप और ध्यान साधना है तो आप इसी शरीर से मोक्ष तक जा सकते हैं, और यदि सिर्फ संसार की कामना है, छल कपट प्रपंच मन में है, ईर्ष्या द्वेष मान सम्मान का भाव मन में है, तो इसी शरीर से नरक में भी जा सकते हैं, अलग से कुछ नहीं चाहिए। ये शरीर ही माध्यम है, और यही मुश्किल से हम समझ पाते हैं। साहब कहते हैं संसार में हम सब सौदा करने आए, और सौदा किस चीज का करने आए? प्रेम का, सत्य का, आनंद का, शांति का, क्योंकि यह काम अन्य खानियों में संभव नहीं है। अब जैसे गाय बैल भैंस बकरी है, वो जन्मजात मांस मछली नहीं खाते, दारू ताड़ी से दूर है, नशा से दूर है। अब इतना काम वो प्राकृतिक रूप से कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, वो मोक्ष पा जाएंगे? नहीं पाएंगे, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से सीमित हैं, उसके पास कोई संभावना नहीं है। वो मर जाएंगे लेकिन मांस नहीं खाएंगे, इसका मतलब वो धर्मात्मा हो गए? ऐसा नहीं है, वो प्राकृतिक गुण में जी रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम चाहें कि किसी बिल्ली को दीक्षा दे दे, माला दे दे कि तुम मांस मछली छोड़ दो, तो जब तक हाथ में पकड़े रहेंगे तब तक तो मांस से दूर रहेगी, और जैसे ही छोटी की चूहे को खोजने निकल जाएगी, चाहे जितना माला दिया जाए, चाहे आप 7 दिन तक गीता पाठ करते रहें, उसके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हाल होगा भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस ठाड़ पगुराए। बिल्ली की भी वही दशा है, कुत्ते की भी वही दशा है, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से मांसाहारी है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये ऐसे जीव हैं जिसमें कोई संभावना नहीं कि वो मुक्ति पा सकें। साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन में संभव है कि हम मुक्ति पा सकें, आनंद पा सकें, ये हमारा अधिकार है। तो इस धरती पर हम सौदा करने आए हैं, पर सदगुरु कहते हैं खेद इस बात का है कि आए थे प्रेम का सौदा करने, आए थे आनंद का सौदा करने, आए थे मोक्ष का सौदा करने, और यहां आकर के हम छल कपट का सौदा करने लग गए।
आए थे प्रेम का सौदा करने, हम क्रोध का सौदा करने लगे। जहां चार आदमी इकट्ठा हो जाए किसी दूसरे की बुराई शुरू हो जाती। आत्मचिंतन हम करते नहीं है, राष्ट्र निर्माण की बात हम करते नहीं है, किसी की निंदा, किसी की शिकायत, किसी की चुगली, दो चार आदमी इकट्ठे हुए नहीं कि हम यही करते। वो आदमी गलत था, वो आदमी सही नहीं था, उसने निंदा किया, उसने शिकायत किया, यही हमारे मन में चलता है। किसी का भोजन ठीक नहीं था, किसी का प्रसाद ठीक नहीं था, कहीं सम्मान नहीं मिला, कहीं हमारा इज्जत नहीं हुआ, कहीं मर्यादा नहीं हुई, इन्हीं चीजों में हमारा चिंतन चलता रहता है, चलता रहता है। कहीं भी इकट्ठे होकर के, एकांत होकर के हम यह संकल्प नहीं लेते कि यह मनुष्य शरीर हमें सत्य की उपासना के लिए मिला है, यह मनुष्य शरीर हमें भक्ति के लिए मिला है, यह मनुष्य शरीर हमें साधना के लिए मिला है और हमें इसी मार्ग पर चलना है। माया तो लुभाएगी, चारों तरफ से प्रपंच आएंगे, कभी क्रोध बनकर आएंगे, कभी काम बनकर आएंगे, कभी लोभ बनकर आएंगे, कभी नफरत बनकर आएगी और हम उसमें फंसते गए, जीवन उलझता चला जाएगा। और आज हम करते क्या है? अगर हम 2400 घंटे अपने मन को निहारें तो पता चलेगा हमारे मन के खजाने में कहीं किसी कोने में नफरत बैठा है, किसी कोने में घृणा बैठी है, किसी कोने में ईर्ष्या बैठी है, किसी कोने में द्वेष बैठा है। और यही हमारे जीवन की पहचान है। और इससे ऊपर हम उठ भी नहीं पाते, इससे भिन्न हम हो भी नहीं पाते। ठीक है, किसी कारण से जीवन में कोई दोष आ जाए, कभी किसी कारणवश जीवन में कोई दुर्गुण आ जाए, कोई बात नहीं। साहब कहते हैं कि ये समस्या नहीं है कि कोई आदमी गलत राह पर चल दिया, ये समस्या नहीं है कि कोई आदमी क्रोधी बन गया, ये समस्या नहीं है कि हमारे भीतर अहंकार आ गया, समस्या ये है कि हम उन दोषों को देखते नहीं हैं और उसे ठीक नहीं करते। कहा भी गया है, मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। का मनुष्य गलती का पुतला है, हो जाएगा, दाग लगेंगे, जैसे कपड़े पहनते हैं दाग लगते हैं ना, सुबह से पहनिए शाम तक दाग, कोई ना कोई दाग लग जाते हैं। पर हम सब क्या करते हैं, सुबह नहाते समय धोते हैं, साफ करते हैं, पर क्या हमारे मन में जो दाग लग रहे हैं हम उसे धोने का प्रयास करते हैं? कभी नहीं करते। जैसे हम घर से बाहर निकलते हैं तो आईने में अपने आप को देखते हैं कि बाल ठीक है कि नहीं, कपड़े ठीक है कि नहीं, चेहरे में कोई समस्या तो नहीं, पूरा देखभाल करके हम बाहर निकलते हैं कि लोग हमें कोई गलत तो ना देखें, हमारे चेहरे बाल सब सही है। संत कहते हैं आप अपने शरीर को, अपने बाल को, अपने चेहरे को ना देखो तो चल जाएगा, कहीं दाग रह गया तो कोई बात नहीं, लेकिन घर से बाहर निकलो, आंख बंद करके भीतर अपने अंतर मन के दर्पण में एक बार अपने मन को देखना कि मन में कोई दाग तो नहीं, मन में कोई ईर्ष्या द्वेष छल कपट तो नहीं है, क्योंकि मन में दाग रह गया और बाहर निकल गए तो कहीं विवाद कर लेके आएंगे, कहीं झगड़े करके आएंगे, कहीं समस्या पैदा करके आएंगे। कपड़े में दाग रह गया तो कोई समस्या नहीं है, साहब कहते हैं इसलिए हम यहां सौदा करने आए थे, लेकिन हम दाग लगाते चले जा रहे हैं, हम शरीर को बदरंग करते चले जा रहे हैं। अच्छा होता कि हमारा जीवन प्रेम के रंग में रंगता, ये तो कामना के रंग में रंग रहा है, ये तो छल के रंग में रंग रहा है, लेकिन साहब कहते हैं ये भी समस्या नहीं है। रंग जाए, कोई कुसंग के वजह से जीवन में द्वेष आ जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई व्यक्ति बचपन से ही कुसंग में पड़ करके लोभी लालची बन गया, कामी क्रोधी बन गया, चोर बन गया, हिंसकी बन गया, कोई चिंता की बात नहीं, अंगुलीमाल भी बन गया था, पर बुद्ध जैसे ज्ञानी पुरुष का संग पाकर के जीवन बदल लिया। ये मनुष्य शरीर कर्म की भूमिका है, यहां बदला जा सकता है। इसलिए तो साहब ने कहा कि अगर शरीर रूपी चादर में दाग लग जाए तो चिंता मत करना। साहब का एक पद है, आप सुनते हैं, उसमें पंक्ति आती है कि कैसे हम जीवन के शरीर के दाग को मिटा सकते हैं। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी,
ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। साहब कहते हैं कि शरीर में दाग लग जाए अर्थात कोई दोष आ जाए चिंता की बात नहीं है, लग जाते हैं। ध्रुव ने, प्रहलाद ने, सुदामा ने भी इस शरीर रूपी चादर को धोया गुरु के शरण में जाकर, भगवान की शरण में जाकर। और साहब कहते हैं मैंने तो इस शरीर रूपी चादर को ऐसा ओढ़ा कि दाग लगने ही न दिया। साहब कहते हैं इस धरती पर हम सब सौदा करने आए, दाग लग जाए कोई बात नहीं, पर उस दाग को मिटाना है। कपड़े में दाग लग जाए तो हम बाहर दे आते हैं धोबी के घर कि जाओ इसको धो दो। साहब कहते हैं यहाँ सदगुरु ही धोबी हैं, गुरु धोबी सिसका पड़ा साबुन सृजनहार। कहा कि ये सदगुरु रूपी धोबी के पास ये शरीर रूपी कपड़े को ले जाना, गुरु अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने तप से धीरे 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 हमारे जीवन के दाग को मिटा देंगे। तो साहब कहते हैं सौदा करन को याजग आया, पूंजी लाया मूल गवाया। अब यहां ये बात समझने की है कि जो कुछ भी हमने पूर्व में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे वो हम साथ लेकर आए, उसके वजह से हमें ये मानव तन मिला। कहा भी गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। कि बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से मनुष्य शरीर मिला, पर यह भी विचारना है कि सौभाग्य से ये शरीर मिला और ऐसे शरीर को देवता भी पाने को तरसते हैं तो सौभाग्य किस बात का है? अगर यह शरीर पाकर कोई आदमी चोरी कर रहा है तो क्या सौभाग्य है? फिर तो दुर्भाग्य हो गया। यह शरीर पाकर के कोई भाई भाई से झगड़ा कर रहा है तो सौभाग्य है कि दुर्भाग्य? वो तो दुर्भाग्य हो गया। यह शरीर पाकर के कोई हिंसा में जा रहा है, कोई लोभ में जा रहा है, फिर इस शरीर का दुर्भाग्य हो गया। इस शरीर का भाग्य तो तब होगा जब यह शरीर धर्म के कार्य में लगेगा, परमार्थ में लगेगा, जब यह शरीर श्वास श्वास में सुमिरन में लगेगा, प्राणी मात्र की सेवा में लगेगा। साहब कहते हैं इस धरती पर आए तो थे मूल कुछ लेकर के, कुछ कर्म का बढ़िया पवित्र संस्कार लेकर के, लेकिन यहां आकर के माया के चक्कर में पड़ करके सब गंवा दिया। पूंजी लाया मूल गंवाया और प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा। ये प्रेम नगर का आनंद की का जीवन, प्रेम का जीवन, संत के साथ के आनंद का अनुभव, सब कुछ का पता ही नहीं चला। अगर जाना तो संसार को जाना, जाना तो दुनियादारी को जाना, जानने की चेष्टा किया तो धन दौलत को जाना, जमीन को जाना, संसार को जाना, खगोल भूगोल को जाना, चांद तारे सूरज को जाना, नक्षत्र को जाना, लेकिन प्रेम को नहीं जाना। साहब कहते हैं इसलिए प्रेम नगर का अंत ना पाया, क्योंकि आए ही थे प्रेम के लिए, आए ही थे सत्य के लिए, आए ही थे ध्यान साधना के लिए, भक्ति के लिए, पर वही काम नहीं किया तो एक अलग ही लोक हमने तैयार कर लिया, पाप का लोक, छल कपट का लोक, और वहां हम इतने भूल गए कि हम जैसे आए थे वैसे निकल गए यहां से। थोड़े कुछ संस्कार लेकर आए थे वो भी गंवा दिए और यहां से फिर उन्हीं कुछ संस्कारों के साथ लौट गए नरक की ओर। साहब बड़े प्यार से कहते हैं सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता। कितने प्यार से कहते हैं, बड़े भाव से, मेरे मित्र मेरे साजन सुनो, इस जीवन में क्या क्या कीता जरा विचारिए, इस जीवन में क्या क्या किया। अगर हम विचार करें तो पता चलेगा कि अगर दो रजिस्टर बनाया जाए, एक में धर्म का लेखा जोखा लिखा जाए, एक में पाप का, तो धर्म का रजिस्टर में शायद ही कुछ लिखा लिख पाएंगे, सब पाप के ही रजिस्टर भर जाएंगे, क्योंकि कदम कदम पर मन में वही आता है, स्वाभाविक रूप से वही आता है। सोचिए कोई गाली दिया सबसे पहले क्या आता है? अगर किसी ने गाली दे दिया तो स्वाभाविक रूप से आपके भीतर से क्या आशीर्वाद निकलता है?
क्या शुभकामना निकलता है? नहीं, गाली दिया कि भीतर से पहले गाली निकलती, भले आप दे ना दें। और कई बार आदमी दे भी देता है। कोई आपकी निंदा किया, पता चल गया कि उसने निंदा किया तो क्या निकलेगा? जैसे ही पता चला कि किसी ने निंदा किया, भीतर आग बबूला हो गए, मालूम पड़े सामने आ जाए तो थप्पड़ जड़ दें, यही तो निकलता है। लेकिन संत कहते हैं कि आपकी साधना, आपका जीवन तब धर्ममय माना जाएगा जब पता चल जाए किसी ने अपमान किया है और चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, उसके लिए हृदय से प्रेम के भाव निकलने लगे। किसी ने निंदा किया ये पता चल जाए, किसी ने अपमान किया ये पता चल जाए, और फिर भी प्रेम की फुहार बाहर प्रस्फुटित हो, भीतर से वही शुभकामना निकले, तो समझ जाइए कि धर्म का दिया भीतर जला है। लेकिन साहब कहते हैं, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। जब हम अपने जीवन का अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कुछ किया ही नहीं, किया है पाप का काम किया, ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे लोगों के दिलों में हम निवास कर सकें। एक दिन जब मृत्यु आएगी तो गैर अपने भी भूल जाएंगे। दो चार दिन, दस दिन, छः महीने एक फोटो बना के टांग देंगे, माला लटका देंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। कहीं नए घर ले लिए तो फोटो लगाना भी भूल जाएंगे। लेकिन साहब कहते हैं, यदि जीवन में आपने कुछ धर्म का काम किया है, प्राणी मात्र की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, इंसानियत के रास्ते पर आपने कदम बढ़ाया है, तो अपने तो छोड़िए, गैर भी आपको दिल में जगह देंगे, और इसका प्रमाण आज इस धरती पर है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं भगत सिंह जी का, 23 वर्ष की अवस्था में पूरे हिंदुस्तान के दिलों में राज करते, कोई रिश्ता थोड़े है हमारा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया। और जो व्यक्ति अपने लिए नहीं जीता, प्राणी मात्र के लिए जीता है, राष्ट्र के लिए जीता है, दुनिया उसे हृदय में धारण कर लेती। जो स्वार्थ में जीता है, जो निज हित के लिए जीता है, उसे घर के लोग भी किनारे कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति परमार्थ के लिए जी रहा है, जो पवित्र भाव के साथ जी रहा है, जो निर्मल मन के साथ जी रहा है, संसार उसे गले से लगा लेती है। साहब कहते हैं, जरा विचारिए इस जीवन में आपने क्या क्या किया है, तब समझ में आएगा कि हमारा धर्म का खाता तो खाली है। आज व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है, हर चीज का इंश्योरेंस हो रहा है, मोबाइल का, गाड़ी का, शरीर का भी, LIC लोग करवाते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस। अब सोचिए, एक इंश्योरेंस हम शरीर का करा रहे हैं, इंश्योरेंस कराने का तो कोई दिक्कत नहीं, करा सकते हैं, पर मिलता किसको है इंश्योरेंस का लाभ? दूसरे को, आपको नहीं मिलता। ठीक है, भौतिक दृष्टि से कराइए, पर एक इंश्योरेंस वो भी कराइए जो डायरेक्ट आपको मिले, और वो धर्म का इंश्योरेंस है, वो भक्ति का इंश्योरेंस है, उसमें आप कराएंगे, आपको मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है, धर्म का इंश्योरेंस होगा कैसे? क्योंकि LIC में तो हम पैसा जमा कर देते हैं, हो गया, ये धर्म का इंश्योरेंस कैसे होगा? साहब कहते हैं, जिस दिन किसी भूखे को आपने भोजन दे दिया, समझना उस दिन इंश्योरेंस हो गया। किसी दिन आपने प्यासे को पानी दे दिया, समझना उस दिन इंश्योरेंस हो गया। किसी दिन आपने किसी लाचार असहाय की सेवा कर दिया, आप समझना आपका इंश्योरेंस हो गया। जब से आप माता पिता, गुरु और राष्ट्र के प्रति श्रद्धा, समर्पण, वो भक्ति का भाव जागृत कर लिए अपने हृदय में, समझना आपका इंश्योरेंस हो गया। जिस दिन सबघट मेरे साइया का भाव जागृत हो गया कि सबघट में मेरा परमात्मा है, समझना इंश्योरेंस हो गया। और जिस दिन ये भाव आ जाता है, हमारा इंश्योरेंस हो जाता। तो साहब कहते हैं, वो काम भी तो करिए जिससे आप सदा इस धरती पर रह सके, क्योंकि शरीर तो नहीं रहेगा, शरीर नश्वर है, ये बदल रहा है। जब धरती पर हम लोग जब शिशु रूप में आए तो हम अलग थे, 7 साल बाद हम अलग हो गए, क्योंकि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि 7 साल बाद शरीर का परमाणु बदल जाता है। अगर आप 70 साल के हो गए, आप 7 बार बदल चुके, आपका शरीर बदल चुका है, शरीर बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है, इसके सारे अवयव परिवर्तित हो रहे हैं। 10 साल की अवस्था में जो चेहरा था 50 में, वही चेहरा नहीं है, बदल चुका है, भीतर शरीर में परिवर्तन चल रहा है, और वो परिलक्षित भी हो रहा है।
लेकिन इस शरीर में निवास करने वाला चेतनात्मा जो इसका दृष्टा है, जो इसका संचालन करता है, वो अपरिवर्तनशील है, क्योंकि वो बचपन का भी साक्षी है, वो किशोरावस्था का भी साक्षी है, वो जवानी का भी साक्षी है, वो बुढ़ापे का भी है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हम यहाँ बैठे और यहाँ दो घंटे में कोई भी आदमी उठे बैठे आए जाए, हम सबको देखेंगे, एक एक घटना को हम जानेंगे, लेकिन सबके साथ हम भी उठे बैठे आए जाए तो हम सब घटना को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं। आपको भलीभांति देखने के लिए हमें बैठना पड़ेगा, और अगर हम आपके सभी घटनाओं को जान रहे हैं, इसका मतलब आप चल रहे थे, हम बैठे थे। जैसे कैमरा लगा है 24 घंटे, सब आदमी कुछ से कुछ कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, सीसीटीवी लगे होते हैं, सब आदमी उसमें देख लेता है, इसका मतलब वो सीसीटीवी स्थिर है, बाकी सब चल रहा है। तो जो बचपन की घटना को भी जान रहा है, जो जवानी की भी घटना को जान रहा है, जो बुढ़ापे की भी घटना को जान रहा है, वही चेतनात्मा अखंड अविनाशी है, जो सबका दृष्टा है, सबका साक्षी है, वो बदला नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आत्मा में भी परिवर्तन होता तो वो बचपन की घटना भूल जाता, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं बचपन की घटना सबको याद होती। इसका मतलब शरीर बदला, आप नहीं बदले। संत कहते हैं भीतर वो चेतन आत्मा है, शरीर बदल रहा है, बदलते बदलते राख बन जाएगा, क्या करेंगे, कुछ करना भी तो नहीं, साथ जा भी नहीं सकता। जो शरीर एक दिन राख ही हो जाना है, उसको अच्छा हो कि सेवा में लगा दें, अच्छा है कि उसका सदुपयोग कर लें, उस शरीर से पाप क्यों करना। जो शरीर ही राख हो जाना है, उससे हम पाप किए चले जा रहे हैं। साहब कहते हैं जरा विचारना, सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा, ये अहंकार का ममकार का पत्थर हमने सिर पर रख लिया, आगे कौन छुड़ाएगा, कोई है तो नहीं, हमने धर्म का साथी भी नहीं बनाया, हमने गुरु भी नहीं बनाया, हमने ज्ञान भी जीवन में धारण नहीं किया जो हमें आगे बचा सके। साहब कहते हैं इसलिए मेरे मित्र, मेरे साजन, मेरे प्रिय, सुनो, अपने जीवन की समीक्षा करिए। हम तो दूसरों की समीक्षा में लग जाते हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है। हर आदमी को पड़ोसी का पूरा पता होता है, उसका बेटा कहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पास हुआ कि फेल हुआ, कौन सा कपड़ा पहनता है, पड़ोसी के पास कितना मकान है, कितनी दौलत है, कहाँ कहाँ घर है, सब लेखा जोखा है, लेकिन हमारे मन का हमें पता नहीं है। साहब कहते हैं दूसरे की समीक्षा, दूसरे का लेखा जोखा नहीं, अपने मन का दृष्टा बनना, अपने बारे में जानना कि आपने क्या क्या किया है, दूसरे क्या करते हैं उस पर छोड़ दीजिए, वो उसके बस की बात है, आपके बस की बात नहीं है। मान लीजिए किसी के खेत में बहुत बढ़िया फसल है, और हम बैठ करके दिन भर कहें वाह क्या फसल है, तो आपके घर में कुछ आएगा क्या, वो उसके घर में जाएगा। अगर पड़ोसी का फसल बढ़िया है तो आप भी खेत में बोइए, आपके घर भी आएगा। एक आदमी एक चौराहे में बैठ के गांव भर की गाय को गिनता था, गाय निकलती थी सुबह सुबह तो सबका लिस्ट बनाता था, अमुक आदमी के पास 5 गाय, कितना दूध देती है, तो 2 लीटर, 5 लीटर, ऐसे करके शाम तक वो पूरा लिस्ट तैयार करता था, हजारों लीटर दूध का लिस्ट बना लेता था। शाम को जब घर आता था तो 1 ग्राम दूध भी नहीं मिलता था, क्योंकि उसके पास एक भी गाय नहीं थी, वो दूसरे के गायों को गिन रहा था। संत कहते हैं अगर अपने घर अपने आपके पास गाय है तो गिनने की क्या जरूरत है। साहब कहते हैं इसी तरह से अगर लेखा जोखा करना है, अपने मन का करिए, अपने जीवन का करिए, कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा मन क्या कर रहा है, हम दूसरे के पीछे जाते हैं, हम दूसरे का लेखा जोखा करते हैं। साहब कहते हैं फिर क्या होगा, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा। और इसी चक्कर में सिर पर जीवन में ऐसा बोझा लद जाएगा जो कोई छुड़ा भी नहीं पाएगा। और आगे साहब कहते हैं परली पार मोरा मीता खड़िया, कहीं इस माया के जगत के उस पार सदगुरु खड़े हैं, लेकिन उनसे मिलने का हम कभी ध्यान ही नहीं धरे, क्योंकि ये प्रपंचों का पर्दा इतना भयंकर होता है कि उस पार के जगत को हम देख ही नहीं पाते। बाहर की आंखों से हम जगत की सत्यता को नहीं देख सकते, ये आंखें जगत को ही देखेगी, माया को ही देखेगी, प्रपंचों को ही देखेगी। जैसे मैं अक्सर उदाहरण देता हूं, कैमरा लगा है, इस कैमरे में हमारी तस्वीर जैसा मैं हूं वैसा आ रहा है, आपकी भी वैसी ही आएगी, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये हमारे बाहर की तस्वीर ले रहा है। पर इसी कैमरे को हटाकर यहाँ एक्सरे मशीन रख दिया जाए तब क्या होगा, फिर ये बाहर का नहीं लेगा, फिर ये हमारा कंकाल उसमें दिखाएगा।
आप एक्सरे मशीन के सामने जाते हैं तो वो चमड़ी का नहीं लेता है, आपके शकल का नहीं लेता है, वो भीतर हड्डी का लेता है, वो सत्य को दिखाता है। हम बाहर रंग रूप को देख करके मोह में पड़ जाते हैं, आकर्षण में पड़ जाते हैं, पर एक्सरे मशीन हमारे जीवन के वास्तविक चित्र को लेता है कि ये चाम के पीछे के रहस्य को देखो। जिस चाम को देख करके मन में आकर्षण हो रहा है, उस चाम के पीछे का जो शरीर है वो भूत से ज्यादा कुछ नहीं है, कंकाल देखकर खुद भी डर लग जाए, ऐसा भयंकर आएगा। साहब कहते हैं इसी तरह से इस प्रपंच के उस पार के जगत को इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए एक्सरे मशीन की आंख चाहिए, विवेक की आंख चाहिए। और जब हमारा विवेक जागृत होता है तब हम सब कुछ में परिवर्तन देख लेते हैं, फिर हमारा शरीर भी सत्य मालूम, शरीर के भीतर छिपे हुए सत्य को हम देख लेते हैं, फिर हम जगत में छिपे हुए सत्य को देख लेते हैं। सामने जो कुछ भी परिलक्षित होता है, जो भी दिख रहा है, फिर उसमें हम आकर्षित नहीं हो सकते, फिर वो हमें लुभा नहीं सकता, क्योंकि हम विवेक की आंख से जगत के सत्य को देखते हैं। साहब कहते हैं परली पार मोरा मीता खड़िया, मेरे सदगुरु मेरे प्रभु आगे उस पार खड़े, इधर संसार है, इधर प्रपंच है, छल है, कपट है, इधर ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, ममकार है, पूरी सेना खड़ी है, अविद्या का पर्दा लगा है, और हम देख नहीं पा रहे हैं उस पार। साहब कहते हैं उस मिलने का ध्यान न धरिया, जीवन भर हम उन्हीं प्रपंचों को देखते रह जाते हैं, उसी में जीते रह जाते हैं, सदगुरु से मिलने का ध्यान भी नहीं आता, गुरु भी जीवन में चाहिए इसका ख्याल भी नहीं आता। साहब कहते हैं परली पार मोरा मीता खड़िया, उस मिलने को ध्यान न धरिया, टूटी नाव ऊपर जा बैठा, ये संसार का नाव तो टूटा हुआ है, ये प्रपंच, ये छल, ये कपट, इस पर बैठ करके हम भवसागर पार हो पाएंगे क्या? भवसागर अगर पार करना है उसके लिए ज्ञान का नाव चाहिए, उसके लिए तप का नाव चाहिए, ध्यान और भक्ति का नाव चाहिए। अगर हमारे जीवन में कामना है, छल है, कपट है, अगर हम इस पर सवार हैं तो न जाने कहां डूब जाएंगे, कोई पता नहीं। किसी गाड़ी का हेडलाइट टूट जाए, फूट जाए, ड्राइवर भी शराब पी ले, चक्का भी पंचर हो, और ऐसा गाड़ी कोई लेके निकल जाए तो न जाने कहां टकरा जाएगा रात में, कोई पता है? इसलिए जीवन में विवेक चाहिए, भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, पूर्ण जागृति चाहिए, तब हम इस संसार में सही दिशा में जाएंगे और भवसागर पार कर पाएंगे। और ये मनुष्य शरीर मिला ही भवसागर से पार जाने के लिए है। मैंने पहले ही कहा था तमाम जीव यहाँ धरती पर आते हैं, पाप का फल भोगने आते हैं, कर्मों का फल भोगने आते हैं, एक मनुष्य शरीर है जो यहाँ अपना कर्म करके मुक्ति पाने के लिए आया है, लेकिन वही काम ये भी कर रहा है जो अन्य जानवर करते हैं। हम इस साधन रूपी धाम से कोई अच्छा काम कर ही नहीं रहे हैं। साहब कहते हैं इसलिए टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा, जो गाफिल है, गफलत में जी रहा है, जो बेहोशी में जी रहा है, मूर्छा में जी रहा है, लापरवाही में जी रहा है, वो गोता खा जाएगा, जो सावधान है वो पार हो जाएगा। अंत में साहब ने कहा कहत कबीर तुम्हें समझाए, बड़े प्यार से साहब ने कहा कि मैं तुम्हें समझा कर कह रहा हूं, सोचो अंत काल तेरो कौन सहाय, कौन साथ देगा? अगर धन से आप कहेंगे कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम मेरा साथ दे दो, धन कहेगा बैंक और तिजोरी से बाहर हम नहीं आएंगे, हम तुमको जानते भी नहीं। अब आप कहेंगे भाई तो हम तो तुम्हें ही ज़्यादा प्रेम की, जीवन भर तुमसे ही लगाव रखे, तुम्हें ही जीवन में हम सबसे ज़्यादा महत्व दिए, और तुम अंतिम में तुम ही मेरा साथ छोड़ रहे हो। तब धन कहता है तुमने मुझसे प्रेम किया, तुमने मुझे महत्व दिया, लेकिन तुमने मेरा सदुपयोग नहीं किया। संत ये नहीं कहते कि धन मत कमाओ, संत कहते हैं धन आपके पास हो लेकिन आपका धन धर्म का कारण बन जाए, बल आपके पास हो, साहब नहीं कहते कि आप निर्बल बन जाइए, बल भी आपके पास हो लेकिन आपका बल किसी निर्बल का बल बन जाए, आपका धन किसी निर्धन का धन बन जाए, आपका ज्ञान किसी अज्ञानी का ज्ञान बन जाए। अगर शरीर में बल है तो कोशिश करिए किसी निर्बल का बल बन सके। साहब ने कहा धन हो,
धन चाहिए, लेकिन कोशिश करना वो धन सदुपयोग के लिए हो, वो धन धर्म के लिए हो, वो धन प्राणी मात्र की सेवा के लिए हो। अपना भी निर्वहन करिए और समाज के लिए भी जीवन बिताइए। अंत काल तेरो कौन सहाई, तो धन कहता है मैं तो साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने तो मेरा सदुपयोग नहीं किया, तुमने तो मुझे माया में ही लगाया, प्रपंच में ही लगाया, दुनियादारी में लगाया, छल कपट में लगाया, जुआ में लगाया, शराब में लगाया, मांस में लगाया, हिंसा में लगाया, तुमने मेरा गलत प्रयोग किया है, इसलिए हम तेरा साथ नहीं देंगे। और यदि तुम मेरा सदुपयोग किया होता तो हम अदृश्य रूप में धर्म बनकर तुम्हारे साथ होते, लेकिन अब हम साथ नहीं देंगे। तो क्या होता है, जीव निराश होता है, आदमी निराश होता है कि जिस धन को हमने इतना सम्मान दिया वो तो मेरा साथ छोड़ दिया, अब वो अंतिम घड़ी में तिजोरी से बाहर भी नहीं आ रहा। तब आदमी क्या करता है, रिश्ते नाते के पास जाता है, बेटा के पास, भाई के पास, पत्नी के पास, कि तुम तो साथ दे दो, हम जा रहे हैं, इस धरती से हमारी विदाई हो रही है, तुम तो साथ दे दो। तो घर के लोग, रिश्ते नाते, मित्र क्या कहते हैं, ठीक है मैं साथ दे तो दूंगा, लेकिन मरघट से आगे नहीं जा सकूंगा, वहां तक पहुंचा दूंगा, इतना मेरे बस में है कि मैं कंधे में उठा के मरघट में ले जाऊंगा, उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं है, उसके आगे तुम्हें अकेले जाना है। तब आदमी अपने शरीर से पूछता है तुम तो साथ दोगे, तो शरीर कहता है मैं भी मरघट में जल के राख हो जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें अकेले जाना है। अब आदमी निराश होकर बैठ जाता है कि जन्म सब धोखे में खोए दिया, मेरा सारा समय धोखे में चला गया, गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बिरंग आया। जब गाड़ी समय पर थी तो घर से निकला नहीं, अब गाड़ी निकल गई तो स्टेशन पहुंचकर अब वापिस लौटना पड़ेगा। जब शरीर में प्राण था, शरीर में शक्ति थी, तो जागृति नहीं आई, तो हम पड़े रहे बेहोशी में, और अब जब सब कुछ से लाचार हो गए, मृत्यु सामने खड़ी है, तब लग रहा है कि काश थोड़ा धर्म कर लिए होते, काश थोड़ा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी दे दिए होते, परमार्थ कर लिए होते, गुरु की भक्ति कर लिए होते, मानवता की सेवा कर लिए होते, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता, लेकिन हमने किया ही नहीं। तब शरीर भी साथ छोड़ देता है, लेकिन पीछे से धर्म कहता है कि अरे मेरा साथ पकड़ा होता तो जन्म जन्म तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इस धरती पर एक धर्म ही है जो सदा साथ देता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। वो कहता है चिंता मत करना, अगर मेरी शरण में तुम आ जाओ, अगर धर्म की शरण में व्यक्ति चला जाए, और धर्म क्या है, जब धर्म की बात आती है तो किस धर्म की शरण में जाए, प्रश्न होगा। कहा गया है धर्म है इंसानियत। अब इंसानियत क्या है, तो जहां सत्य है, क्षमा है, दया है, प्रेम है, करुणा है, वही धर्म है। इसको साहब ने भी कहा है जहां दया तहां धर्म है, जिसके हृदय में दया है वही धर्म का निवास है। तुलसीदास जी ने कहा है धर्म न दूसर सत्य समाना, कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और अहिंसा के लिए तो उन्होंने कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। अर्थात अगर हमने सत्य को धारण किया, प्रेम को धारण किया, दया को धारण किया, अहिंसा को धारण किया, तो समझ जाइए कि फिर वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया हमारा साथ छोड़ देगी, धन हमारा साथ छोड़ देगा, पुत्र हमारा साथ छोड़ देगा, शरीर हमारा साथ छोड़ देगा, लेकिन ये धर्म सदा आपके साथ है। बल्कि यूं कहें कि धर्म हमारा ही स्वरूप है, वो हमसे अलग हो ही नहीं सकता, हम ही उसे भूले रहते हैं, हम ही उसे ठुकराए रहते हैं। इसलिए साहब ने कहा अंत काल तेरो कौन सहाई, ये कौन में सब आ जाता है। गो गोचर लग जह मन जाई, जो सो सब माया जाने भाई, इन आंखों से जो कुछ भी देखा जा सके, इन कानों से जो कुछ भी सुना जा सके, नाक से जो कुछ भी सूंघने में आ सके, त्वचा से जो कुछ भी स्पर्श में आ सके, संत कहते हैं वो सब माया समझना, प्रपंच समझना, और वो आपका साथ नहीं देने वाला, वो आपके साथ नहीं जाने वाला। ये दुनिया का पसारा आपके व्यवहारिक जीवन की व्यवस्था के लिए है, ये जो वर्तमान धन दौलत घर परिवार है, ये सिर्फ व्यवस्था के लिए है, ये साधन मात्र है, इसे मंजिल मत समझ लीजिए। धन आपका सिर्फ रास्ता है, मंजिल तो धर्म है। जैसे यहां से आपको कहीं बाहर जाना है,
दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, आप रास्ते के लिए कुछ खर्च जमा करते हैं, रास्ते के लिए कुछ जलपान तैयार करते हैं, कुछ कपड़े तैयार करते हैं, तो समझ जाइए वो भोजन, वो पैसे, वो कपड़े सिर्फ रास्ते के लिए है। आप मंजिल कुछ और है, इसलिए रास्ते के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, रास्ते के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए धन चाहिए, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए घर चाहिए, कपड़े चाहिए, लेकिन इतना ही करके रुक गए तो समझना जीवन विराम हो गया, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य तो धर्म है, लक्ष्य तो भक्ति है, लक्ष्य तो प्रेम है, और ये किए बिना अगर मौत सामने आ गए तो समझना जीवन में हार गए, फिर विजयी नहीं हो पाए। इसलिए साहब ने कहा, अंत काल तेरो कौन सहाई, अंत में कौन सा है, चला अकेला संग न कोई, किया आप ना पावेगा। साहब ने कहा, यहां से अकेले जाएंगे और कोई साथ नहीं जाएगा। ये जो हीरा जैसा जन्म है, हमने कौड़ी के भाव गंवा दिया। कौड़ी जैसा गंवाने का मतलब क्या है, जो मिला था मुक्ति का काम करने के लिए, जो शरीर मिला था भक्ति में जीने के लिए, उसे हमने काम क्रोध लोभ मोह में गंवा दिया। ये कौड़ी के भाव गंवाना है। तो इसलिए साहब कहते हैं, हम सब यात्री हैं, हम सब इस धरा पर सौदा करने आए थे, हम सब सौदा कर तो नहीं पाए, धर्म का, ज्ञान का, प्रेम का, सत्य का, उल्टा हमने अपने अपने पोटली में सारे पाप लाद कर चल दिए। कहा भी गया है, तीर्थ गए तीन जन, चित चंचल मन चोर, एको पाप न काटिया लादिन मन दस और। कि एक भी पाप नहीं काटा, बल्कि और हमने दस मन पाप भर लिया। इस संसार में आए तो थे मुक्ति के लिए, इस मनुष्य शरीर में आए तो थे सत्य की उपासना के लिए, मोक्ष के लिए, लेकिन हम मोक्ष का तो नाम तक नहीं लिए, हमने इस शरीर से और ज्यादा पाप, और ज्यादा पाप करते चले गए, और ज्यादा छल करते चले गए। इसलिए हम सबको सजग होना है। तो ये थोड़ा सा समय हम सबको सत्संग का मिला, चर्चा का मिला। कहा भी गया है, एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। थोड़ा भी समय सत्संग का हो, वो हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और अक्सर मैं कहा करता हूँ गोस्वामी जी की एक बात, कि धन्य घड़ी जब सुई सत्संगा। हमारे जीवन का वह घड़ी, वह समय धन्य है जब हमें सत्संग मिलता है। दुनियादारी तो हर जन्म में मिलता है, हर जगह मिल जाएगा, पर संत दर्शन, संत समागम मुश्किल से मिलता है।